ग्वालियर में जिम संचालक राम कुमार उर्फ पप्पू राय हत्याकांड मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड कांग्रेस नेता ब्रजेश राय को गिरफ्तार कर लिया है। पप्पू राय के हत्याकांड में नाम आने के बाद ब्रजेश फरार हो गया था। क्राइम ब्रांच ने ब्रजेश को भोपाल के एक होटल से पकड़ा था और जहां वो नाम बदलकर फरारी काट रहा था। एसपी क्राइम राजेश डंडोतिया ने बताया कि हत्या के मामले में फरार कांग्रेस नेता ब्रजेश राय को क्राइम ब्रांच ने भोपाल के होटल से पकड़ा है। फरार होने के बाद से ही आरोपी होटल में नाम बदल कर रह रहा था। क्राइम ब्रांच की तीन टीमें उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। पता चला कि वह भोपाल में है और दो टीमें भोपाल रवाना की गई। फिर पता चला है कि ब्रजेश राय काफी समय से भोपाल में रह रहा था। वह कई कांग्रेस नेताओं की संपर्क में था और वह सरेंडर होने की पूरी तैयारी कर रहा था। कई जगह बातचीत फाइनल स्टेज पर भी थी। उससे पहले ही दबोच लिया गया और मामले में क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल पंकज राय, आकाश परमार, डिग्गी जादू, लालू यादव, पीयूष आर्य, घोटा को पकड़ लिया गया है। गौरतलब है कि 2 दिसंबर की सुबह बड़ोहापुर इलाके के आनंद नगर में घर के सामने वॉक कर रहे जिम कारोबारी व प्रॉपर्टी कारोबारी पप्पू उर्फ राम कुमार राय की दो बदमाशों ने फायरिंग कर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने 3 गोली पेट में, एक माथे पे और एक पीठ पे मारी थी। सर, जिन की हत्या उनकी गोली मारकर क्या आरोप लग रहे हैं, उनका क्या प्रभाव लग रहा है? ये इसमें जो फर्स्ट वीक में जो मर्डर हुआ था पप्पू राय का, उसमें लगातार जिम संचालक जो था और उसके जो मर्डर में इन्वेस्टिगेशन की गई और उसमें 6 आरोपी पहले पकड़े जा चुके थे लगातार काम करके, जिन्होंने शूट किया था उनको भी पकड़ा गया, जो शूटर थे 2। इसके अलावा एक आरोपी फरार था, अन्य आरोपी जिसको कि भोपाल से हिरासत में क्राइम ब्रांच ने लिया था और हिरासत में लेने के बाद फिर यहाँ ग्वालियर को उसको लाया गया और यहाँ पर पूछताछ की गई, जुर्म कबूल किया गया और थाना बौड़ापुर में उसकी गिरफ्तारी हो रही है और उसको पुलिस रिमांड, उसको कोर्ट में पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम मैं DSP विजय भदौरिया के नेतृत्व में ये टीम गई थी और उनके द्वारा ये कार्रवाई संपादित की गई है। ये इसमें जो आपराधिक षड्यंत्र में जो इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन तथ्य आए थे, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था, ये दोनों भाई थे। तो एक भाई ये था जो घटना जब खुलने के बाद, ट्रेस होने के बाद ये फरार था। तो इसमें लगातार क्राइम ब्रांच की 4 टीमें काम कर रही थी, दिल्ली, लखनऊ, लगातार जहाँ जहाँ इनपुट्स मिल रहे थे। तो एक इनपुट पे जो SP ग्वालियर श्री अमित शाह जी सबको इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो उसको वेरीफाई करने के लिए DSP क्राइम ब्रांच को भेजा गया था, तो उसमें फिर ये सफलता मिली। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।